तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। बहुत लंबे टाइम बाद स्वागत है आपका अपने चैनल रावत ब्लॉग में। तो आज हम निकल चुके हैं ऐसे ही, बस कहीं तो निकल गए, फिर से रैंडमली निकले। मतलब मोड देख लो, निकले बस ऐसे थे, कोई वो नहीं था, मतलब कि कहीं जाना, रैंडमली प्लान बन गया कि निकल जाते हैं ऐसी हॉन्टेड प्लेस देखने के लिए। तो अभी हम निकले हुए हैं। ये कौन सा, क्या जगह का नाम है? भोली भटियारी, पता नहीं अजीब सा नाम है। तो यहाँ कहते हैं हॉन्टेड प्लेस है, तो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं आज इस जगह को, कैसी है, कैसे हॉन्टेड प्लेस क्यों होते हैं। और सुना है यहाँ पर जानवर भी बहुत तगड़े। ये भाई पहले जा चुके हैं और यही लेके आए, तो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं आज पूरा। ये देखो भाई, पेड़ पे कपड़े टके हुए हैं जी भाई, स्टार्टिंग में ये सब है। और ये अंकल आ रहे हैं और शायद इधर काम चल रहा है, ये पता नहीं कोई महल है। भाई महल का नाम क्या है? भोली भटियारी। हाँ, महल का नाम है भोली भटियारी। और ये पता नहीं शायद काम चल रहे थे पत्थर उत्तर, अभी तो आगे अंदर तक जाएंगे तो बहुत तगड़ा। और ये देखो कपड़े टके हुए, और ये ले रहे हैं हमारे भाई, वीडियो ले रहे हैं। हाँ हाँ भाई, ठीक है ठीक है। कुत्ते को भी पता चल गया बंद चल रहा है, कह रहा काम चल रहा है, क्यों बैठे हो, रखवाली कर रहा अच्छे से, बस सो जा भाई। तो भाई सीन ऐसा है, बंद है तो फिर आगे निकलते, कुत्ते से ही मज़े ले रहे थे। वो तो भाई कुत्ते पे चिपट गया, देख रहे हो, कतई भयंकर फ़ोटो लेने लग गया। तो भाई इसके लिए कि आपको कहानी बताते क्या था, वो सारी कहानी इस भाई को बताए, ये बताएगा बहुत अच्छे से। भाई यहाँ पे एक राजा था, वो फिरोज शाह तुगलक नाम का, उसकी रानी थी एक, उसने यहाँ पे उसको कैद करके रख रखा था और यहीं पे उसकी डेथ हो गई थी। जब से कहते हैं कि यहाँ पे उसकी आत्मा घूमती है, इसलिए यहाँ पे कोई आता नहीं, ऐसे हॉन्टेड प्लेस बोलते हैं। पर कुत्ते को देख के ऐसा तो नहीं लग रहा हमारे, वैसे यहाँ पे काफ़ी लोग हैं भाई, वरना तो लगता है डर हमने। और इसके आगे क्या है, अगर आगे चल चले, अभी चलते हैं अंदर, जंगल में जाना है। तो भाई ये थी इसकी कुछ कहानी, और कहानी को आगे मद्देनज़र रखते हुए, किला तो बंद है तो आगे चलते जंगल में, घूमते जंगल में, देखते क्या क्या मिलता है। चले भाई आज। और ये इसकी बैक साइड है, हम बैक साइड अभी अंदर तो भाई जाना मनाया, तो फिर ऐसे ही घूम रहे थे गोल गोल, तो इसकी बैक साइड ही देख ली कि बैक साइड पे देखते कुछ दिख जाए। ये बैक साइड है किले की, और भाई साइड पूरा जंगल है, और भाई गार्ड खड़ा है। गार्ड तो डायरेक्टली, गार्ड तो मना कर रहे कि अंदर मत जाओ, जाना अलाउ नहीं है ये सब। हमने कहा कोई नहीं, यहाँ पर बैठने के लिए आ रहे, ये जगह दिखाई कि बैठने आ रहे बहाने से, फिर थोड़ा सा कवर करते, देखते कुछ दिखता है तो आपको दिखाएंगे। थोड़ा थोड़ा अंदर आ रहे तो भाई और डीपली जंगल दिखता जा रहा है, बस थोड़ा सा ही आगे आए तो ये देखो कितना घना हुआ है एंकर। अभी तो आगे जाएंगे तो और घना घना जंगल दिखेगा, देखते बाकी। भाई वो तो हमें पता नहीं था कि आज यहाँ काम चल रहा, तो अगर पता होता तो फिर किसी और दिन आते, पर कोई नहीं, आगे तो वेस्ट नहीं करते, आगे एक्सप्लोर करते कि इसके आगे क्या है, क्या सीन है, कैसा रास्ता है, जो भी है वो एक्सप्लोर करते हैं। बाकी ये तो अपने अलग ही शॉट ले रहा है सिनेमैटिक, हमें तो एक्सप्लोर करना है, देखते क्या है। ये पार्क है, इसी के पास में, मतलब जैसे ये आगे वो भोली का उठियार है, जो भी महल है, और इस साइड इसके पार्क है, और आगे मतलब ये जंगल, पूरा जंगल है, और बीच में यहाँ पर एक पहाड़ी भी पड़ती है, वहाँ पर जाने नहीं देते, वहाँ पर अलाउ नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते। वो तो यही बताएगा क्योंकि ये आ रखा है तो इसे ज़्यादा पता है। भाई पहाड़ में अलाउ क्यों नहीं करते? वहाँ जीव कतरे वगैरह बैठे रहते हैं भाई, और वहाँ पर ना जानवर भी, लकड़ वगे वगैरह काफ़ी, तो इसलिए जाने नहीं देते वहाँ पर, ये रीज़न है। बाकी भाई ये तो हमें भी ढंग से नहीं पता, जो पता था वो बता दिए, और आगे देखते यार आगे जाए। तो भाई यहाँ पर जो भी आना चाहता है, अभी तो मत आओ यार एक दो दिन, क्योंकि अगर काम चल रहा तो
टाइम तो लगेगा काम में, तो अभी मतियाना जिसे भी आना है, ये झंडे वाला मेट्रो स्टेशन है उसके बहुत पास है, हनुमान जी का मंदिर है झंडे वाला में, जो उसके बगल में जो रास्ता जा रहा है एक जहाँ पर बजाज का शोरूम है बाइक का, तो वहाँ पर से आप सीधा हो गए ना, सामने ही आपको एक पार्क, वो पार्क दिखेगा और एक गाड़ी, मतलब वो रैपिंग की है ना, मतलब गाड़ी रैप वैप होती है, छोटा सा वो दिखेगा, तुम्हारा सीधा आओगे ना सामने पड़ेगा भूली का पटियार, तो आप इजीली आ सकते हो, ज़्यादा दूर भी नहीं है, कर सकते हो एक्सप्लोर आप भी और मज़ा आएगा देखने में। फ़िलहाल तो हम देखते हैं क्या करते हैं, है ना, सीन तो यही है, बोरियत आ रही है यार, भयंकर, जिस चीज़ के लिए आए तो वही बंदा है, कोई नहीं, इससे कुछ चलता है, कई बार होता रहता है, इतना सीरियस नहीं लेते, आगे का क्या प्लान है देखते हैं। यहाँ पे भाई लोग कहते हैं कि यहाँ भूत वगैरह हैं काफ़ी, तो क्या देखो जी, यहाँ पे सुबह से 4 बजे तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे जो भी होता है 7:30-8 बजे के बाद होता है, जो भी बात है। मेरा नाम राहुल है, मैं यहाँ का भूली भटियारी का गार्ड हूँ। इन द सेंस होता क्या क्या, मतलब यहाँ पे बताते हैं कि पहले ज़माने में यहाँ पे वो रहते थे बुड्ढा बुड्ढी, जो इस पूरे जंगल की रक्षा करते थे, अब पता नहीं किसी ने उनका ना मार दिया क्या कर दिया, तो कहते हैं कि हमें भी नहीं पता, क्योंकि हमें पहले ज़माने के जो लोग हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे उन्हें दफनाया गया है, तो बस उन्हीं की आत्मा आत्मा भटकती है यहाँ। हमने देखा यहाँ पे कभी भाई भूत नहीं, देखो हमारे साथ हादसा हुआ, हमने हम देखो अपने मुँह से कहते नहीं है क्योंकि और भी लोग डरे, हमारे साथ हादसा ये हुआ है कि कुछ टाइम पहले हमारे गार्ड जैसे लेट हो जाते हैं, तो हम 12:30 बजे की आपको बात बता रहा हूँ, 1 बजे की हम यहाँ पे लेट हुए थे सामने बेंच पे, तो ऐसा हुआ कि जो बहुत तेज़ी से कोई हवा आई, जैसे हमें उठा के ऐसे बहुत जोर के रख के मारा, जिससे मैं और मेरा गार्ड पल्ले पे एक जाके दूसरे गेट पे गिरा, एक जाके उस पे गिरा पेड़ पे। तो कहाँ की बात है, कहाँ पे ये कहाँ की है, ये भूली भटियारी की भी। अच्छा, तो इस किले में भी है कुछ? इस किले में तो राजा रानी है। अच्छा, और वो जो आप अंदर एक सिनेमा वाला बता, वो सिनेमा थिएटर है अंदर, अगर वहाँ पे कोई जाए तो जा सकता जी, अगर गार्ड जाने दिया वहाँ के तो, पर शाम के टाइम वहाँ पे अलाउड नहीं है जी, जो बात है। इस टाइम जाने देंगे वहाँ पे? हाँ, इस टाइम अगर गार्ड जाने देंगे तो जाने देंगे। तो भाई अभी हम आपको जाके दिखा दें अंदर का सिनेमा थिएटर का भी क्या है, जाओ बाकी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और बात किसी भी भाई को अगर आना होगा शाम को 8 बजे के बाद, 8:30 बजे के बाद, तो हमारा नाम है राहुल और मेरे साथ रहते हैं रामकीर जी, हमें आओ, हमें यहाँ पे आपको सीट पे बैठे हुए मिलेगा सामने, और जो हमारे फीस वीस होते हैं हमारे चाचा बताते हैं, जो भी हम जो 400-500 लेते हैं वो हमारे सामने घुमाने के आप पूरा ले जाते हैं। तो किसी को भी अगर भूत वूत देखना हो तो आके मिल ले इनसे। और जब भी हमें गार्ड ने कुछ अपने किस्से बताए जो भी रिसेंट, वो उसके साथ और बाकी भी डाल देंगे, उसकी क्लिप होगी, वो मेरे को हमें क्लिप शेयर कर रहा है, कह रहा क्लिप दे दूंगा मैं तुम्हें, तो बाकी देखते हैं। और जैसे जैसे भाई उसने चीज़ें बताई है, कौन सी अच्छा पत्थर है वो, तो उसने भाई बहुत से अपने किस्से बताए, बहुत ख़तरनाक, और कह रहा रिसेंट में ही हुए उसके साथ, तो भाई कुछ कह नहीं सकते, एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो उसने कहा यहाँ पर एक आगे सिनेमा हॉल है ना, सिनेमा हॉल, बोला कि भाई भूली भटियारी का जो किला है ना उसमें इतना नहीं है कुछ, कह रहे जो अंदर जंगल है यहाँ पे दो तीन जगह है जंगल के अंदर ही, यहाँ पर है असली चीज़, एक सिनेमा थिएटर उसने बताया, एक उसने बताया यहाँ पर कोई एरोप्लेन क्रैश हो रखा था बहुत टाइम पहले, तो उसका कबाड़ा पड़ा है अंदर जाके, कबाड़ा बोले तो थर्माकोल से भी उन्होंने थोड़ा करा ठीक करने का कोशिश कर रखा है, बाकी पता नहीं मॉडल है एरोप्लेन का मॉडल, बाकी पता नहीं कितनी सच्चाई है भाई, क्योंकि यहाँ तो चलने में भाई पूरा जंगल जंगल सुनसान है, तो मन भी नहीं कर रहा, लेकिन एक्सप्लोर करने आए तो करना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, देखते आगे तक चलते। भाई ज़्यादा ही आगे चले गए थे, लेकिन रास्ता बहुत ही लंबा है, तो अभी प्लान में जाना ठीक नहीं, क्योंकि दो ही बंदे अभी हम और यहाँ पूरा स्नैचर वगैरह बैठे रहते हैं, तो प्लान में भी एक चेंज करा हमने, कहा जिस दिन गाड़ी लेके आएंगे उस दिन जाएंगे, अभी तो फिलहाल यू टर्न ले लिया घर जा रहे, नेक्स्ट टाइम मतलब ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जाएंगे। आज भूली भटियारी दिखाना तो वो दिखा दिया, अब नेक्स्ट टाइम तो मैं जंगल दिखाएंगे। हमें भी ये आज नई चीज़ पता चली है, तो मेनताज को भूली भटियारी था, हमने भूली भटियारी दिखा दिया है, और ये आगे का आगे एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट डे जिस दिन गाड़ी लेके आएंगे, तो अभी हम आगे नहीं जा रहे, नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ते हैं थोड़ा सा कंटेंट, नेक्स्ट टाइम देखो यार बढ़िया लगेगा, रुक रुक के देखो, एक ही दिन सब कुछ देख लो तो हमें मज़ा कैसा आएगा, तुम भी मजे लो हम भी मजे लेंगे आराम से, हम दो हैं तुम इतने लोग हो भाई, अगर अभी दो जने जाएंगे तो आगे से ब्लॉग ना देख पाओ फिर।
मज़ा कैसा आएगा। तो ये वापस मूड चेंज हो चुका है, निकल चुके हैं फिर शॉर्टकट रास्ता लेके, हमें शॉर्टकट रास्ते का पता चला तो वहाँ से निकल रहे हैं। तीन भाई और जुड़ चुके हैं हमारे साथ और चल रहे भाई, देखते कहाँ तक पहुँच पाते। एक रास्ता हमने लिया था वहाँ पर तो गार्ड ने मना कर दिया, तो हमने दूसरे गार्ड ने बताया। बाकी ये तो पता नहीं, और ये दो देख, ये तो छोटी सी मंदिर भी बना रखी इधर तो ये किस हिसाब से हॉन्टेड प्लेस भी भाई, यहाँ पर मंदिर भी है तो इस हिसाब से तो लग नहीं रही है, पर कोई नहीं कहते हैं। देखते जो वो गाड़ी कह रहा था एरोप्लेन वाली चीज़ें वो ये रही वो। बाकी दूसरा जो सिनेमा हॉल है वो अभी जा नहीं सकते आई थिंक, देखते अभी बाकी प्लान बनता तो जाएंगे, वरना अभी तो यहीं पर खड़े हैं। ऊपर काऊ देखो, ओ कौवे, वो पूरा एरिया खंडर सा जो गार्ड ने जैसा बताया था कि ये मतलब तुम्हें डरावना लगेगा, थर्माकोल जैसा टाइप एरोप्लेन है, बट उस हिसाब से देखा जाए तो भाई ये कुछ ऐसा है लग नहीं रहा मुझे कि होगा, लोग आ रहे हैं। तो भाई आ चुके हम सिनेमा वाली साइड पे भी आ चुके हैं, हमने कहा जब इतने पास आ ही चुके तो सिनेमा वाली साइड भी निकल ही लेते हैं। वो देखो सामने सिनेमा वाली साइड है, अबे झाड़ वाला है ये पूरा सिनेमा जो सामने, इधर बाउंड्री भी आ गई आई थिंक, बाउंड्री क्रॉस करनी पड़ेगी। और ये रहा पूरा, ये देखो तो साइड भाई ये इंडस्ट्रियल एरिया आई थिंक, सामने देख इंडस्ट्रियल एरिया लग रहा है। हम क्या करेंगे, अंदर तो जा नहीं सकते तो भाई यहीं से कवर करते, देखते उनके भैया पूरी झाड़ू वाले से क्या है। तो भाई आपको अगर वीडियो में मज़ा आया हो, अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी मतलब हमने आपके लिए कहाँ कहाँ से एक्सप्लोर करा है, जैसे भी एक्सप्लोर करा है, पहले हमारा ना हो गया था, अगर वो तीन भाई ना मिलते ना तो हम जाते नहीं, शायद हम घर निकल रहे थे, फिर हम नेक्स्ट टाइम का मूड बना रहे थे, पर वो तीन भाई मिल गए, उन्होंने कहा चलो करते, तो साथ में हमने कर ही लिया एक्सप्लोर, आपके लिए रिस्क उठाया। तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना आपका काम है, तो जल्दी से जल्दी कर दो और मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, फिर मिलूँगा आपसे एक और ऐसी मज़ेदार नई वीडियो में। टाटा बाय बाय।